सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली कूल पैड कूल 6 लॉन्च हो गया है और काफी अग्रेसिव प्राइस में लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो आपका डील ब्रेकर बन सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं बाय करने का तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपको ये स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज सुबह मैंने 15 स्मार्टफोन डील्स के बारे में बताया जो Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल में आपको देखने को मिलेंगे। अगर उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो जरूर से चेकआउट करिए आई बटन पे क्लिक करके। और दोस्तों आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। तो दोस्तों चलिए थोड़े से स्पेक्स हम लोग जान लेते हैं। 6.53 इंच का फुल HD प्लस वाला IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलेगा और 93.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रहेगा। पॉपअप कैमरा सेल्फी के साथ आता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। MediaTek Helio P70 देखने को मिल रहा है, माली G72 MP3 देखने को मिलेगा आपको, और 21 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा सेल्फी है। 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और 4000mAh का बैटरी है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 10,999 का आपको 464 देखने को मिलेगा 11,000 रुपए में। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक जानकारी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन क्यों नहीं परचेस करना चाहिए। तो देखो यार 11,000 में आपको दोस्तों बहुत अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 4000mAh का बैटरी तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ये स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आजकल के टाइम पे सारे स्मार्टफोन में हम लोगों को फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, 10W से लेके 18W से लेके 30W से लेके 33W तक, यानी कि मिल रहा है हम लोगों को फास्ट चार्जिंग। और यहाँ पर हम लोग फास्ट चार्जिंग का मजा उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है यार, और मोबाइल भी जल्दी चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं मिल रहा है आपको दोस्तों, पहले की तरह बहुत देर तक रुकना पड़ेगा। 4000mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब देखो यार यहाँ पर 11-12 हज़ार की रेंज में आपको स्नैपड्रैगन का 662 देखने को मिल जाएगा, हीलियो G90T देखने को मिल जाएगा, जो इससे बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं और वेल ऑप्टिमाइज्ड है। आपको वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पैसा और लगा देंगे तो आपको और अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हीलियो G70 से कम प्राइस में देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रोसेसर है वो भी दोस्तों आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर पहली बात एक और आ जाती है, आफ्टर सेल सर्विस। यहाँ पर आपको कोई इतने जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही यहाँ पर दोस्तों इन लोगों का सर्विस सेंटर इतना होता है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर कूल पैड पे दोस्तों भरोसा मत करिए। आप दोस्तों कोई अच्छे ब्रांड के साथ जाइए, जैसे रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स तक भी चले जाइए तो चलेगा, लेकिन दोस्तों इस ब्रांड की तरफ मत जाइए। आपको दोस्तों यहाँ पर इतना सर्विस अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन तो ले लेंगे आप, लेकिन दोस्तों उसके बाद उसका क्या करेंगे? उसके बाद दोस्तों अगर आपको सर्विस अच्छी देखने को नहीं मिलेगी तो दोस्तों आप फिर बोलेंगे ना यार ये स्मार्टफोन अगर कहीं खराब हो जाएगा तो मैं कहाँ उसको बनवाने लेके जाऊंगा यार, यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट्स नहीं आते हैं, सिक्योरिटी का पंगा रहेगा उसमें, और यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन वाले जो पैकेज आते हैं, एंड्रॉइड अपडेट्स जो आते हैं, वो सब देखने को नहीं मिलेंगे। बल्कि आप रियलमी, रेडमी ये सब फोन लेंगे तो यहाँ पर अपडेट आता है। अब देखो यार रेडमी नोट 7 प्रो में कल MIUI 12 का स्टेबल वर्जन का अपडेट आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बड़े ब्रांड पर अगर आप भरोसा करेंगे तो आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छा देखने को मिलेगा और आप दोस्तों बहुत टाइम तक स्मार्टफोन को एंजॉय कर सकेंगे। आई होप सो कि आप मेरे बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको दोस्तों ये स्मार्टफोन परचेज करना है तो Amazon पे ये ओपन सेल पे जाके अभी तुरंत परचेज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नया गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमें अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। जस्ट डू इट। इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्टार्टिंग ओवर, स्टॉप गिविंग अप।